जय श्री राम दोस्तों, एसपीजे किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, बरसात का मौसम है तो इसके लिए नाश्ते के लिए मैं आलू के और गेहूँ के आटे से बहुत ही क्रिस्पी करारी बढ़िया नाश्ता बना रही हूँ। जिसके लिए मैं देखिए बॉयल किए हुए आलू को पहले कद्दूकस करके रख लेती हूँ। अब मैं आटा लगाऊंगी। तो मैं आटा ले रही हूँ एक कटोरी। आटे को मैं पहले छान के रखी हूँ। इसमें नमक थोड़ी सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। इसको मिला लूंगी। अब इसमें मोयन डालूंगी, एक बड़ी चम्मच मोयन डाल दूंगी। इसको मिला के मैं आटा गूंथ के तैयार कर लूंगी। तो दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मैं अलग अलग रेसिपी, अलग अलग तरीके के नाश्ता जब भी बनाऊं तो आपके सामने जल्दी उपस्थित हो जाऊं और आप हमारा वीडियो जल्दी से जल्दी देख सको। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हूँ, इसको भी मिला लूँगी। अब मैं पानी डाल के इसको गूँथ लूँगी। थोड़े थोड़े पानी डालूंगी मैं, थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको गूंथ के तैयार करूंगी। इसको ढक के थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक मैं स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। एक पैन ली हूँ, इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून इसमें राई डालूँगी, 8 से 10 करी पत्ता, अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च को मैं बारीक काट के रखी हूँ। अब 2 प्याज में बारीक काट के रखी हूँ, ये डाल दूंगी। प्याज को मुझे भूनना है कलर चेंज होने तक। देखिए प्याज भूनने लगा है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 आलू, मैं ये जो है कद्दूकस किया हुआ आलू ये डालूंगी, नमक डालूंगी स्वाद अनुसार, सभी चीज़ को बढ़िया से मिक्स करूंगी मैं। ऐसे धीमी आंच पर चलाती रहूंगी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, 1 चम्मच छोटा चम्मच। इसको भी मिक्स कर लूंगी बढ़िया से। अब मैं गैस फ्लेम ऑफ कर दूंगी।
इसको निकाल दूंगी प्लेट में, रख दूंगी। तब तक आटा सेट हो गया है, देख लेती हूँ। अब इसको एक ही रोटी की तरह ऐसे बेलूंगी मोटा सा। ऐसे बड़ी रोटी मोटी से बेल के तैयार कर लूंगी मैं। इस तरह फोल्ड कर दूंगी। फिर थोड़ा बेलन चला दूंगी। अब इसके ऊपर मैं आटा लगाऊंगी, सूखा आटा। अब इसको मोड़ूंगी इस प्रकार से, रोल बना लूंगी। अब एक चाकू से इसको दो पार्ट में काटूंगी। देखिए, अब इसको भी दो भाग कर दूंगी, इसको भी दो भाग करके मैं चार पीस तैयार कर लूंगी लोए। अब लोए को उठाऊंगी, थोड़ा सा दबाऊंगी हाथ से, और इस प्रकार से कटोरी शेप देके मैं इस पर, देखिए इसमें मैं फिलिंग भरूंगी चम्मच से। देखिए चारों पीस तैयार है। अब मैं एक कढ़ाई चढ़ा दूंगी जिसमें तेल गरम कर लूंगी इसको तलने के लिए। थोड़ा थोड़ा इसको उठा के मैं ऐसे दबा दूंगी हल्के हाथ से, ज़्यादा इसको पतला बेलूंगी नहीं, बस हाथ से दबा दबा दूंगी। और देखिए तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें डाल दूंगी। इसको मीडियम फ्लेम पर मैं सेक लूंगी। ऐसे उलटते पलटते सेकना है, बराबर सीख जाए हमारा नाश्ता तो बढ़िया खाने में लगेगा और दिखने में भी बढ़िया लगेगा। देखिए फ्लेम हमारा मीडियम टू लो है। देखिए बढ़िया से सीखने लगी है, थोड़ी देर और सीखूंगी इसको, ये अंदर तक बढ़िया से सीख जाएगी। अब इसको निकाल लूंगी और इसका एक्स्ट्रा तेल में निकाल लूंगी इस प्रकार से।
अब प्लेट में सजा के दिखा रही हूँ। मैं एक को तोड़ के भी दिखा रही हूँ आपको, बहुत बढ़िया दिखेगा। तो दोस्तों पसंद आए तो लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक अवश्य कर दीजिएगा। हमारा वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।